गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मंडे है और अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो कुछ ट्रेड नहीं किया। टाइम तो अभी 10:30 है, ट्रेड तो कुछ भी नहीं अभी किया। तक नहीं किया, मतलब मोस्टली नहीं करेंगे आज। नॉन डायरेक्शनल नहीं करेंगे, गैप डाउन होने के बाद मूवमेंट बढ़ गई थी, इसकी वजह से छोड़ दिया। देखा प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। और अभी हमें कहाँ जाना है? अभी हमें जाना है पीसी बिल्ड करने, क्योंकि अभी हम नया ऑफिस लेने वाले 1 अप्रैल को, तो पूरा सेटअप ही चेंज करने वाले हैं। तो वहाँ पे अभी पीसी के शॉप में जा रहे हैं, पीसी बिल्ड करेंगे, मल्टीपल स्क्रीन वहाँ पे दिखाते हैं हम क्या क्या लेने वाले हैं, और उसके बाद थोड़ा और सेटअप का कुछ देखने वाले। तो ये सारे चीज़ें थी, इसलिए सोचा कि ये कर लेते, और मार्केट भी ज़्यादा उतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था, इसके वजह से सोचा कि अभी जाते काम करते, वो हो भी जाएगा। और नया ऑफिस जल्दी लेने वाले, तो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे, मतलब दिखाएंगे कहाँ पे क्या है। और अभी जाते हैं पीसी लेते हैं, उसके बाद आपके साथ अभी और अभी पीसी के पार्ट्स बस रफली बताएंगे, और हमने क्या क्या लिया है और क्यों लिया है, और उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन है तो वो उसका सेपरेट वीडियो बनेगा, हम यूट्यूब में डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक साल के बाद कर रहे तो करना, मतलब हमारे लिए हमें लगा कि अच्छा एक सेटअप चाहिए और थोड़ा स्केल करना है, इसके वजह से हमने सोचा कि कर लेते और तो, हमेशा हमको यही करना है, तो थोड़ा अच्छा ही रहना चाहिए ऐसा लग रहा है। तो और बस हमारे प्रॉफिट में से कितना अराउंड 10% यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, 10 से भी कम, हाँ कम, थोड़ा कम है। और चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए, देखते हो जाने के बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या ले रहे हैं। और चलो जाते हैं। तो गाइज अभी हम आए हैं शॉप में, और अभी लेंगे थोड़ा पीसी का जो जो पार्ट्स रहते हैं सब लेंगे, आपको चेयर भी लेंगे, हाँ एक गेमिंग दो गेमिंग चेयर लेने, और बाकी के अराउंड ग्राफिक कार्ड में तो सब कितना जाएगा कॉस्टिंग वगैरह कुछ? मुझे लगता है 1.5 लाख के ऊपर ही। हाँ बजट तो अपना 2 लाख तक है, 2 लाख तक बजट है जाएगा ही उतना, बिकॉज 3 स्क्रीन लेने, अच्छा ग्राफिक कार्ड, अच्छा सीपीयू भी थोड़ी बड़ी लेंगे। तो ठीक है, आपको दिखाएंगे एक बार सब पार्ट लेने के बाद। आपका कौन सा आईडी है? आपका आईडी बोलिए। सॉरी, 2660 जी का प्राइस है उसको, इंटेल प्लेटफॉर्म है। तो अभी सारे पार्ट्स परचेस किए हैं। कैबिनेट कौन सा है? ये हमारा कैबिनेट है एंड इस पार्ट्स का है, RGB है ना इसमें, RGB वाला कैबिनेट। और ये ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड है, ये रैम लिया है, 16GB के 2 RAM है, 1TB का SSD है, क्रूशियल का SSD 1TB का, और एक ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti है, डेलेक्स का लिया है, और लिक्विड कूलिंग भी है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर थोड़ा सा हेवी है, इसकी वजह से हीटअप होता है, तो कूलिंग भी अच्छी चाहिए। और मॉनिटर वो अंदर दूसरे स्टोर पे, तीन मॉनिटर है, और UPS वगैरह लिया है, 32 इंच का एक बड़ा और दो वर्टिकल, दो 27 इंचेस के दो है। ओके, और यहाँ पे असेंबली चल रही है अभी, इसको मुझे लगता है 3 घंटे लगेंगे असेंबली को। कितने 3 तास लगते ना आप? पक्का ह्याच्या मुळे लिक्विड कूलिंग मुळे लेट होतं, आता लवकर होतं। जी स्किल की ग्राफिक कार्ड 3060 Ti, OC एडिशन है। मल्टीपल डिस्प्ले भी तो सभी में होता है। तो ये ग्राफिक कार्ड है गैलेक्स का 3060 Ti, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर दे। ग्राफिक कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मस्त बढ़िया लग रहे हैं नया चकाचक। क्या लिखा है? स्टैटिक सेंसिटिव डिवाइसेस। ठीक है।
प्लास्टिक बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त लग रहा है। सारे एकदम बढ़िया कंपोनेंट लिए जिससे हमारा जो एडिटिंग का जो स्पीड है ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो रहा हो जाएगा। तो इसके वजह से अच्छा पीसी बिल्ड करने वाले वहाँ पे असेंबली का काम चल रहा है। मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें यहाँ पे लगा रहे और ग्राफिक कार्ड इतना टॉप एंड का नहीं है 3060 Ti मतलब ठीक ठाक है। इतना गेमिंग नहीं करने वाले सॉफ्टवेयर एडिटिंग वगैरह लग सकता है गेमिंग भी हो सकती है आराम से। हाँ मतलब हाँ इसमें आराम से हो सकती है मतलब 3-4 साल हमें कुछ परेशानी नहीं होगी गेमिंग में। उसके बाद अगर करते हैं तो चेंज करना पड़ेगा। और ये असेंबली को अभी 3 घंटे लगेंगे बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं लिक्विड कूलिंग वगैरह उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कूलिंग की वजह से बहुत टाइम लग रहा है नहीं तो 1 घंटे में हो जाता है। तो एक बार असेंबली होने के बाद आपको CPU दिखाएंगे और उसकी कॉस्टिंग भी बाद में हम वीडियो में डालेंगे। सेपरेट वीडियो बनेंगे हर एक हमारे स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी ज़रूरत है भी या नहीं वो सब वीडियो में हम। तो सुबह 11 बजे आए थे और अभी टाइम कितना हो रहा है 3 बजने को आ रहे हैं तो 4 घंटे आ रहे हैं। और हम यहाँ पे कब आए थे 11 बजे ना 11 बजे आए थे। 4 घंटे यहीं पे गए और कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए ऑर्डर किया है इतना टाइम लगेगा ऐसा लग नहीं रहा था इसलिए कुछ खा के भी नहीं आए। तो और असेंबली को भी और 3 घंटे लगेंगे सोचा कुछ खा लेंगे शाम हो जाएगी आपको। ठीक है देखते हैं अभी खाते हैं और एक बार असेंबल होने के बाद आपके आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है पीसी और फिर घर जाते घर जाने के बाद भी हम दिखाएंगे हाँ चालू करते निकाल हाँ चलो मिलते हैं अभी असेंबल होने के बाद दिखाएंगे। काय आणलं रे मॉनिटर दोन्ही आणले अजून एक राहिलं इकडे ठेव था। तो गाइज ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े बॉक्स एक मॉनिटर आए ना एक मॉनिटर CPU मेन कंपोनंट पूर्ण दिवस गेला आहे यामध्ये। हा ना सकाळी 11 ला आले ना किती वाजले 6:30 बड़े बड़े बॉक्स अरे संपते का नाही केवढे रे झालं लास्ट CPU पूरा टेम्पो भर गया बहुत बड़ा सेट है। तो अभी चलते हो गए सेटअप तो अभी घर आए हाँ ना बहुत मेहनत लगे इतने बॉक्सेस पूरा एग्जॉस्ट हो गया आज अभी घर रखते बाद में जब ऑफिस सेटअप करेंगे तब लगाएंगे अच्छे से अभी नहीं लगाएंगे। तो गाइज अभी टाइम हुआ है 7:15 और हम घर आ चुके और अभी कौस्तुभ उसके घर गए और सारा जो सेटअप का जो जो पार्ट्स है वो सारे मेरे घर पे यहाँ पे
रखे, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या. तो ये सारे चीज़ें लिए, ग्राफिक कार्ड है, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई एंड यहाँ पे सीपीयू. ये सीपीयू में सारे बिल्ड किए, कीबोर्ड वगैरह है, माउस एंड यहाँ पे जो बड़े बड़े स्क्रीन है, तीन स्क्रीन लिए हमने. एक 31 इंच की बड़ी स्क्रीन है एंड 27 इंच के दो स्क्रीन ये वर्टिकल लगाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिए, बहुत बेहतरीन यहाँ पे सेटअप बनेगा. तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये घर पे रखा हुआ है, तो इसको एक बार बिल्ड करने के बाद आपके साथ पूरी डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे. तो 1st of April को हम नए ऑफिस में जाएंगे, नए ऑफिस का सेटअप करेंगे. तो सारे जो पार्ट है, सारे जो पीसे हमने बिल्ड किए हैं, वो अच्छे से एक बार जब नए ऑफिस में हम सेटअप बनाते हैं वहाँ पे सेट करेंगे. उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमने लिए, उसके प्राइजेस कितने पर कंपोनेंट्स एंड टोटल जो कॉस्टिंग लगी है वो कितनी है. फिलहाल के लिए तो अभी ये जो सेटअप है यहाँ पे ही रखेंगे घर पे, एंड जब नए ऑफिस में जाएंगे तब एक सेटअप करके आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करेंगे. तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अभी सेटअप बनने के बाद और बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम डालेंगे, बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी, ट्रेडिंग में भी फ़ायदा होगा एंड मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने के लिए. एक अच्छा सेटअप पे आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप ट्रेड करते हो. तो यस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.